ये जो हाईवे आप देख रहे हो ये वाराणसी से लखनऊ को कनेक्ट करने वाला हाईवे है। ये बाबतपुर एयरपोर्ट होते हुए, जौनपुर होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ चला जाएगा ये रास्ता। और फ्रेंड्स, अभी मैं रिंग रोड पर पहुंच गया हूं। अब मेरे ऊपर जो आप लोगों को ब्रिज दिख रही है ये वही ब्रिज है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से देसी व्लॉग। और जहां पर मैं अभी हूं ये वाराणसी का बाबतपुर एयरपोर्ट रूट है। तो बाबतपुर एयरपोर्ट रोड से अभी मैं वाराणसी के लिए चल रहा हूं। इन दिनों मैं गांव पर ही था तो अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है जिसके वजह से मैं बनारस जा रहा हूं। तो आप लोग देख सकते होंगे कितना खूबसूरत ये सुंदरीकरण जो बनारस का हुआ है, कितना सुंदर दृश्य है। ये चारों तरफ आप देखिए, दो लेन इधर, दो लेन उधर, और इसको एक तरीके से पैक किया गया है कि जो कुछ भी जानवर वगैरह होते हैं वो रोड पर ना आए। और जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं वो बनारस के लिए जब एयरपोर्ट से कैब, तो उनको ये सुगम और सुंदर इस रास्ते का दर्शन हो और उनका मन खुश हो जाए। तो देख सकते हैं किस तरीके से डेवलप किया गया है इसको। बीच में ये देखिए पेड़ जो लगाया गया है ये काफ़ी कॉस्टली आता है और इसको गवर्नमेंट ने स्पेशल बाहर से मंगाया था और इसको यहाँ पर, ये यहाँ से पूरा बनारस तक आपको रोड पे देखने को मिलेगा। तो अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ और रास्ते में भी जो कुछ भी होगा वो दिखाता रहूँगा आप लोगों को। लॉकडाउन का टाइम है, सेकेंड वेव कोरोना का बहुत चरम सीमा पर है और ऐसे में बहुत रिस्क है कहीं पर भी जाने का। लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो मैं घर से निकला हूँ। मेरे बाएं साइड आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इंडेन गैस की ढेर सारी ट्रकें खड़ी हैं और ये इसलिए हैं क्योंकि मेरे राइट साइड में ये जो ओवरब्रिज आप लोग देख रहे हैं इसके राइट साइड में इंडेन का गैस प्लांट है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा बाएं साइड में आप देख सकते होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये इंडेन के सारे ट्रक खड़े हुए दिख रहे हैं। और ये अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ इसके लेफ्ट साइड में बनारस का आरटीओ ऑफिस है। तो रास्ता बहुत ही क्लियर है, गाड़ियाँ बहुत कम हैं, लोग रोड पे नहीं दिख रहे हैं। ये जो सेकेंड लॉकडाउन लगा है प्रशासन सख्ती नहीं दिखा रही है, इतना ज़्यादा डर है लोगों के मन में कि लोग खुद ही घरों में कैद हो गए हैं। बहुत ही एसेंशियल ज़रूरत जिसको समझ में आ रही है वही घर से बाहर निकल रहा है। तो ये फोर लेन आप देख सकते होंगे, दो लेन इस साइड, दो लेन उस साइड, और एक जो पार्किंग एरिया के लिए लेन दिया गया है या फिर जो छोटे व्हीकल्स हैं जैसे बाइक या फिर साइकिल वगैरह के लिए, या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे भी एक एक लेन बनाया गया है। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम बनारस में हैं क्योंकि कुछ साल पहले तक जो बनारस का ये रोड था वो सिर्फ ये, जिस लेन में मैं चल रहा हूँ सिर्फ ये डबल लेन का हुआ करता था और दोनों तरफ जिधर ये आप एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट्स इस साइड और जिधर ये पेड़ लगे हुए हैं लाइन से इस साइड, ये दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, पीपल के, नीम के और भी अलग अलग, शीशम के उस समय। तो हालांकि बचपन तो ऐसा ही गुजरा हम लोगों का और कभी हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस तरीके से बनारस देखने को मिलेगा। अमूमन जब हम लोग कभी दिल्ली, मुंबई या फिर किसी बड़े मेट्रो सिटी में जाते हैं तो हम लोगों को इस तरीके का हाईवे देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं रिंग रोड के लिए रास्ता बाएं कटा है। तो अभी मैं बता रहा था कि बनारस के लिए जगह जगह फ्लाईओवर्स, ओवर ब्रिजेस ये सब पहले नहीं थे, अब ये बना दिए गए हैं। और जो बनारस के बाहर बाहर रिंग रोड का निर्माण हुआ है जिसमें जितने भी बड़े व्हीकल्स हैं वो बाहर बाहर निकल जाएं, तो आज मैं आप लोगों को रिंग रोड का भी दृश्य दिखाऊंगा। तो अभी मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं ये सीधा ओवर ब्रिज ऊपर जा रहा है और ये नीचे जो रास्ता जा रहा है ये ओवर ब्रिज के नीचे नीचे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे और इस पेंडेमिक में सभी लोग एहतियात बरत रहे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। इधर कुछ दिनों से मैं गांव पे ही हूँ। वाराणसी जाते वक्त हरहुआ एक जगह पड़ता है, मैं वहीं पर हूँ।
और ये जो हाईवे आप देख रहे हो ये वाराणसी से लखनऊ को कनेक्ट करने वाला हाईवे है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये बाबतपुर एयरपोर्ट होते हुए, जौनपुर होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ चला जाएगा ये रास्ता। और आगे अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा, ये आगे जो रास्ता गया ये सीधे बनारस चला जाएगा। तो बनारस का विकास तो काफी हुआ है दोस्तों, जो ये रास्ता अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं और ये जो इसका सुंदरीकरण देख रहे हैं ये सब पहले नहीं था, पहले ये डबल लेन हुआ करता था और अभी तो ये फोर लेन है और काफ़ी डेवलप्ड है। इस पे ओवर ब्रिजेस वगैरह पहले नहीं थे जो कि अब जगह जगह पे आपको मिलेंगे। तो काफ़ी विकास हुआ है बनारस का। रास्ता आप लोगों ने देखा ही अभी बाबतपुर से आगे यहाँ तक का, अब इसके आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो रिंग रोड का भी निर्माण अभी जो है जारी है, कहीं कुछ दूर तक बन गया है और कुछ दूर तक अभी जो है बन रहा है। तो रिंग रोड का भी दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते हैं मास्क भी मैंने ये डबल लगा रखा है, तो प्रिकॉशन पूरा ले रहा हूँ। पॉकेट में मेरे बैग में दो दो सैनिटाइजर हैं, जब जहाँ समय मिलता है मैं खुद को सैनिटाइज कर लेता हूँ। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ आगे का दृश्य। इधर अभी ओवरब्रिज है जो सीधे बनारस रास्ता निकल जाता है, लेकिन मैं नीचे नीचे चलूंगा और आप लोगों को रिंग रोड का भी दर्शन कराऊंगा। ये कुछ नज़ारा है बैक कैमरे से, ये जो सामने ओवरब्रिज आप लोग देख रहे हैं, ये जो वो गाड़ी ऊपर जा रही है वो सीधे चला जाएगा रास्ता बनारस, और ये जो नीचे ये जो बाइक अभी जा रही है मैं भी इसी रास्ते से चलूंगा और यही रास्ता रिंग रोड पर ले जाएगा मुझे। ये बगल में ये लॉन टाइप का बना है, पिछले साल तो इसको क्वारंटीन सेंटर बना दिए थे और जितने भी बाहर के लोग आ रहे थे उनको पहले 14 दिन इसी में रखा जा रहा था। तो चलिए अब आगे का जो है दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम लोग ऊपर ना जाकर अब सीधे ये नीचे नीचे चलेंगे। हालांकि नीचे का रास्ता जो है ये भी सीधे वाराणसी ही जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हम रिंग रोड से कट जाएंगे। और रिंग रोड से जाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप लोगों को रिंग रोड का भी दृश्य मैं दिखाना चाहता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते होंगे कि फ्लाईओवर बना है, जितनी दूर ये ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं, जितनी चौड़ाई ओवर ब्रिज की है बस उतने ही टाइम उस टाइम रास्ते की भी थी, तो चौड़ाई उतनी ही थी, लेकिन अब जो है इसको काफ़ी चौड़ा बना दिया गया है और इसके बीच बीच में काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं और फाउंटेन भी लगाए गए हैं जगह जगह। और जो भी बड़ी गाड़ियां हैं या जो जिनको मार्केट के अंदर काम नहीं है या ओवरब्रिज के नीचे काम नहीं है वो ऊपर ऊपर ही निकल जाते हैं। तो चलिए अब देखिए रिंग रोड पर मैं पहुँचने वाला हूँ, ये सगड़ी वाले भाई साहब को क्रॉस करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे। अब ये देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन बोर्ड ये अभी आने वाला है, अब ये ही जो है रिंग रोड है। यहाँ से राइट हैंड साइड जो अभी रिंग रोड का निर्माण है वो अधूरा है, हो रहा है, निर्माणाधीन है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए ये सीधे वाराणसी इंडिकेशन दे रहा है, वाराणसी बाईपास के लिए आपको लेफ्ट होना है। तो मैं भी लेफ्ट हो जाऊँगा क्योंकि लेफ्ट ही जाना है मुझे। और यहाँ से राइट अभी रास्ता बना नहीं है, बन रहा है। इधर से राइट जितना भी ये रोड देख रहे हैं आप, देखिए मिट्टी वगैरह पड़ा है, ये बन रहा है। तो ये है रिंग रोड फेज वन। फ्रेंड्स अभी मैं रिंग रोड पर पहुंच गया हूँ। अब मेरे ऊपर जो आप लोगों को ब्रिज दिख रही है ये वही ब्रिज है जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये बनारस चला जाएगा रास्ता। बनारस से जो गाजीपुर जाने वाला रूट है उस पर आशापुर पड़ता है, तो ये जो रिंग रोड है ये आशापुर तक निर्माण हो चुका है। और मेरे पीछे जो ये ब्रिज देख रहे हैं इसके अंदर अभी निर्माण कार्य जारी है और ये जाकर दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला जो हाईवे है जो बनारस होकर इलाहाबाद निकल जाता है ये रिंग रोड डायरेक्ट उसमें जाके मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा विकास बनारस का हो रहा है और ये रिंग रोड जो बना है, जगह जगह फ्लाईओवर दिए हैं, ओवर ब्रिजेस हैं, शहर को कनेक्ट करके रखा है। और जो बड़े भारी व्हीकल्स हैं और जो लोग जिनको बाहर बाहर ही जाना है तो वो बाहर बाहर निकल जाएं, उनको शहर में आने की ज़रूरत ना पड़े। तो काफ़ी डेवलप हुआ है। अभी इसको फोर लेन का बनाया गया था, दो लेन इधर और दो लेन उधर, लेकिन अभी इसको सिक्स लेन नीचे देख रहे हैं, अभी इस पर फिर मिट्टी डलनी चालू हो। तो चलिए आगे रिंग रोड का दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं,
जहाँ तक निर्माण हो चुका है वहाँ तक तो मैं नहीं जाऊँगा, उसके पहले ही मुझे शहर में घुस जाना है। लेकिन आगे का रास्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इधर जो आगे अब मैं चलूँगा, ये सारा खेत हुआ करता था, बिल्कुल इधर कोई आवागमन नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब खेती होती होते थे। मतलब लोग धान चावल गेहूं ये सब का उत्पादन बड़े अच्छे मात्रा में करते थे, और बहुत सारे व्यापार के भी इस पे अवसर हैं, क्योंकि अभी ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बने और इस पे अभी दुकानें बिल्कुल नहीं हैं, तो आने वाले टाइम में लोग इस पे व्यापार भी कर सकेंगे। तो चलिए आगे रिंग रोड का जो है नज़ारा देखते हैं कैसा है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो देखा आप लोगों ने, अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो अभी आप आगे देखिए, ये रिंग रोड का नज़ारा है। इस पर भी उसी तरीके से पेड़ पौधे बीच में लगाए गए हैं, फूल पत्तियाँ भी लगाई गई हैं, और ये अब तो इधर जो है डेवलपमेंट चालू हो गया, वरना ये सारा खेत था। तो इस पर जगह जगह आपको इस पर भी ओवर ब्रिजेस मिलेंगे, और इधर के जितने गांव थे सबके सब शहर से कनेक्ट हो गए। तो मेरे राइट साइड आप जो देख रहे हैं वो बनारस का हिस्सा है, तो इसी के लिए इसका नाम भी रिंग रोड है, क्योंकि ये एक अंगूठी नुमा रोड होता है जो कि शहर के चारों तरफ होकर निकलता है। तो जितनी भी बड़ी छोटी या ऐसी गाड़ियां हैं जिनको शहर में नहीं आना है, वो कहीं और जाना चाहते हैं, तो वो बाहर बाहर ही निकल जाते हैं। अभी इस ओवर ब्रिज पर जो मैं चल रहा हूँ, ये इसके नीचे रेलवे ट्रैक है, और ये वाराणसी से जौनपुर, शाहगंज, फैजाबाद, अयोध्या होकर, या जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ होकर निकलने वाला रूट है। तो जस्ट इसके नीचे रेलवे ट्रैक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका भी निर्माण जो हुआ है, हालांकि लॉकडाउन में बहुत ही कम लोग रोड पर दिख रहे हैं। ये देखिए, ये नीचे रेलवे ट्रैक गया हुआ है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसको, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इस तरीके से डेवलपमेंट बनारस में होगा, क्योंकि बनारस गली घाट मंदिर और सकरे जगह के मामले में जाना जाता रहा है, और यहाँ का एक अलग ही जो है रहन सहन माहौल हुआ करता है। हालांकि अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जा रहा है, जो चीज़ें पहले से मौजूद है। कहीं कहीं इसका मैं विरोध भी करता हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको उस तरीके से डेवलप ना करें कि वो फीलिंग ही ख़त्म हो जाए। जैसा कि अभी आप लोगों ने कोई एक केस सुना होगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में एक बहुत ही फेमस पेड़ हुआ करता था, जो कि पूरे दुनिया में सिर्फ 3 ही पेड़ था ऐसा माना जाता है, जिसका नाम था अक्षय वट वृक्ष, तो उसको गिरा दिया गया। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आधुनिककरण में आप इतना ज़्यादा मशगूल हो जाइए कि आप जो नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमको दी हैं, या फिर जो हमारे आस्था या धर्म का प्रतीक है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। ये अभी आप लोग जो बोर्ड देखे हैं ये बता रहा है कि नीचे जो अब ओवरब्रिज आएगा, तो अगर लेफ्ट हम उतर जाते हैं ओवरब्रिज के नीचे तो रास्ता आजमगढ़ चला जाएगा, और अगर हम राइट हो जाएंगे ब्रिज के नीचे से तो रास्ता पांडेपुर होते हुए वाराणसी चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो सफ़र है वो इस ब्रिज के नीचे ही रहेगा, हालांकि ये रास्ता सीधे चला जाएगा आशापुर गोलंबर तक, और वहीं तक निर्माण भी हुआ है। उसके आगे अभी गंगा जी हैं, तो गंगा नदी में अभी ओवरब्रिज बनने का काम जारी है। और उधर जो मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को दिखाया कि इलाहाबाद से बनारस वाला जो रोड है उस पर जाकर जो रोड अभी रिंग रोड मिलाया जाएगा, जो आप बोर्ड देख रहे हैं एग्ज़िट का, मैं यहाँ से अंदर अभी नीचे हो जाऊँगा। देखिए, देख सकते हैं आजमगढ़ लिखा हुआ है, सीधे चले जाएंगे आप आशापुर गोलंबर, फिर गोलंबर से अगर आप बाएँ हाथ कटते हैं तो आप सीधे चले जाएंगे गाज़ीपुर। तो ये वाराणसी से गाज़ीपुर तक ही डेवलप हुआ है। तो अब मैं नीचे चल रहा हूँ, अभी ये हाईवे मैं छोड़ रहा हूँ। तो भाइयों, रिंग रोड यही है और काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। तो मैं नीचे अब चलूँगा, और यहाँ से लेफ्ट अगर आप जाएंगे तो आजमगढ़ चले जाएंगे, और राइट जाएंगे तो बनारस चले जाएंगे। फ्रेंड्स, फाइनली मैं बनारस पहुंच चुका हूं है, और अभी मैं बनारस ही रुकूंगा, गांव नहीं जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जर्नी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को देखनी है तो आप लोग उससे कनेक्टेड रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि जर्नी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है।
अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।